नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ है हमदा जहांगीर और आलमगीर, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान जी है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, आप सबको हमारा प्यारा सलाम। और क्या हो गया है? इसको क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो गया भाई। होटल है सर, आप सबको हमारी तरफ से प्यारा सलाम। और आज भाई से भी आवाज मार रहे, इसलिए हम थोड़ा चुप हो जाते हैं। आपको शायद आ रही हो ना आ रही हो। तो व्हाई इंदौर सिटी इज डिफरेंट देन एनी अदर सिटी इन इंडिया? तो ये वीडियो है, क्यों डिफरेंट है, ऐसा क्या है इंदौर में जो कि पूरे इंडिया में सबसे अलग किस्म की जो है सिटी बनता है, है। काफी हैरान हूं। तो मैं भी जरा देखना चाहता हूं कि आखिर ऐसा इस वीडियो क्यों नहीं है, हमें क्यों दिखाना चाह रहे हैं इंदौर, जो क्या फैक्ट है ऐसे इंदौर में जो इंडिया को, इंदौर को बाकी तमाम सिटी से अलग बनाता है। यूसुफ भाई ने वीडियो को रिकमेंड किया था और अब हम चलते हैं वीडियो जी द नॉलेज फैक्ट्री वालों की। इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में हमने इनका लिंक दिया, और अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। लेट्स इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे अहम शहर है। आर्थिक दृष्टि से ये मध्य प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी है। इस शहर में कई महल और दो बड़े विश्वविद्यालय भी हैं। वास्तव में इंदौर शहर जमींदार परिवार है जो आज भी बड़ा रामला जूनी इंदौर में रहता है। इस शहर की 17वीं शताब्दी में पड़ी थी और इसे राव नंदलाल चौधरी ने बताया था। इंद्र देवता के नाम पर इसका नाम इंदौरपुर रखा गया और बाद में ये इंदौर हो गया। ये शहर अपनी भव्य इमारतों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ सबसे खास होलकर महल, महत्वपूर्ण लोगों के मकबरे और देवी अहिल्याबाई होलकर का एक छोटा मंदिर भी है। इंदौर का कांच महल भी बहुत मशहूर है। दोस्तों, आज हम आपको इंदौर के बारे में ही कुछ ऐसी आश्चर्यजनक बातें बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को देख रहा है उसको भी प्रेस करना। बिल्कुल, नॉलेज फैक्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको सबसे पहले मिलती रहे। इंदौर देश की प्रमुख कपड़ा मंडी के लिए पहचाना जाता है। कपड़ा मेलों के दौर में इंदौर शहर का कपड़ा बाजार अस्सी तक देश में बड़ी मंडी माना जाता रहा है। मेले बंद होने कपड़ा बनता है सबसे बड़ी थोक कपड़ा मंडी माना जाता है। अच्छा, यहाँ का सालाना कारोबार 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। सरकार के स्वच्छता सर्वे में इंदौर को देश का सबसे साफ सुथरा शहर चुना गया है। ये लगातार दूसरा मौका है जब 2018 में इंदौर को इस सर्वे में पहला स्थान मिला है। इंदौर के बाद भोपाल और चंडीगढ़ का नाम है। वही लोग इंदौर के चटपटे और स्वादिष्ट खाने के भी दीवाने हैं। जो लोग इंदौर का खाना एक बार चख लेते हैं फिर वो उसके गुणगान गाने से कभी पीछे नहीं रहते। चावल, दूर दूर से लोग सिर्फ इंदौर के खाने के लिए ही वहाँ जाना पसंद करते हैं। जरूर जाना पसंद होगा, ये मौका मिला। सिटी बनने का सपना थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन दुनिया के नक्शे पर भारत के कुछ ऐसे शहर हैं जो बेहद तेजी से विकास कर रहे हैं और उन्हीं में से एक है इंदौर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर बहुत लंबे समय से मिनी मुंबई के नाम से पूरे देश में लोकप्रिय है। इसे आज के दौर में सबसे ज्यादा मॉल वाला शहर भी कहते हैं। इस शहर ने बीते 10 सालों में देश की सबसे तेजी से उभरते शहर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। रियल एस्टेट का उभरता हुआ बाजार, पीथमपुर और राव जैसी विशाल औद्योगिक नगरों की इकाइयां, आगरा बॉम्बे हाईवे, रेल नेटवर्क, हवाई सुविधाएं और बेहतर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इस शहर को एक तेजी से उभरता हुआ महानगर बनाती है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े संस्थानों के साथ ये केवल मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का महत्वपूर्ण एजुकेशन हब कहलाता है। इंदौर की इन्हीं सब खासियतों की वजह से इंदौर को सबसे विकसित प्रदेशों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, क्या आप इंदौर जाकर घूमना चाहेंगे? इंदौर के बारे में और कौन कौन सी बातें पसंद है हमें कॉमेंट बॉक्स में बता रहे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलूंगी
मिलेंगे मिलेंगे आप एक बार फिर। इनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो बहुत अच्छी थी, बड़ी कमाल किस्म की इन्होंने वीडियो बनाई है। जैसे लग रहा है जैसे कोई न्यूज चैनल हो इनका, लेकिन है नहीं। लेकिन मैं एक और चीज देख रहा हूँ यार कि इस चैनल के बारे में, मतलब इन्होंने वीडियो बनाई है इंदौर के बारे में कि क्लीनर सिटी का, तो चलो मुझे पता था, इनके मॉल्स भी सबसे ज्यादा है यहाँ पे पूरे इंडिया में, परसेंटेज के अतबार से, परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज के अतबार से मेरे ख्याल में ऐसे होगा कि मॉल्स मॉल्स जितने भी हैं, बिल्डिंग्स जो हैं बड़ी बड़ी जो बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। तो ये बड़ी हैरानकुन थी, इंदौर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, सफाई का इतना आला मियार रखा जाता है। इंदौर है जो हर साल नंबर वन पे रहता है क्लीनेस्ट सिटी। मतलब उन्होंने बेसिकली अपनी जो है ना सिटी को साफ रखा, जनता को जो है ना सुविधाएं दी हुई है। स्मार्ट सिटी नहीं है वैसे इंदौर, स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट सिटी है, लेकिन बहुत जल्द बन जाएगा जो बता नहीं। मेरे ख्याल से स्मार्ट सिटी कहना है, मतलब कोई नई सिटी जब आती है ना तो उसे स्मार्ट सिटी कहते हैं। नहीं 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 जरूरी तो नहीं है। तो बेसिकली उनके जो है मेरे हिसाब से कोई सिटी अगर है ना उसको बहुत ज्यादा जदीद कर देना स्मार्ट सिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पर कई ऐसी चीजें हैं जैसे कि अब कौन सी सिटी है जैसे बसेस आ गई हैं, या इंदौर स्मार्ट सिटी है मेरे पास, इंदौर स्मार्ट सिटी लिखा हुआ तो अच्छा लगेगा वैसे, है ना, इंदौर स्मार्ट सिटी मुझे ऐसे लग रहा है होगी इंदौर स्मार्ट सिटी। चलो यार आपने कह दिया तो इंशाल्लाह जरूर बनेगी, टेंशन क्यों लेते हो, होगी बनेगी, उन्होंने कहा बहुत जल्द बन जाएगी। अच्छा ठीक है, थोड़ा बल्कि बहुत जल्द भी कहा, थोड़ा दूर जरूर है स्मार्ट सिटी बनने में, थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन इसके अलावा काफ़ी फैक्ट्स हैं जी। यहाँ पे जो है ना वो पुराने वक्तों की बिल्डिंग भी बहुत ज्यादा है, राजा महाराजा को ऐसी चीजों को देखने का मजा भी बड़ा आता है। बंदा कहते हैं मिनी मुंबई भी कहते हैं इंदौर को, शीशा महल देखेंगे, शीश महल कहते हैं शीशा महल। सो गाइस इंदौर वाकई में एक लाजवाब शहर है, क्लीनेस्ट सिटी है, और आपको भी चाहिए कि इसको एक बार विजिट जरूर करें। मैं चाहता हूं कि इंदौर के अंदर जाके मैं पानी पूरी खाऊं, पानी पूरी खाएंगे बस, वो मशहूर है, देखे है ना बनी हुई, लोग बना रहे थे और निकाली जमी चावल चने चले गए, चावल चने भी ठीक थे लेकिन पानी पूरी का दिल कर रहा है। जो चाहते हैं हम लोग इंडिया, पानी पूरी तो हमारे यहां चलते हैं, जो चलते हैं हम इंडिया आए इंदौर घूमने के लिए, वो लाइक कर दे, हम देखेंगे, सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक भी कर दे, और हम की पाकिस्तान भी आए।